नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। आज हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में डबल ज्योति के बारे में। लगता है इन दोनों ज्योति के राशि में बदमाशी लिखा हुआ है, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, इस समय ज्योति मौर्या को लेकर सोशल मीडिया में यानी पूरे हिंदुस्तान में पूरा बवाल मचा हुआ है, और ज्योति मौर्या का कहानी बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता ही होगा। और पूरा हिंदुस्तान ज्योति मौर्या का गलती दे रहा है, और ज्योति मौर्या की वजह से जो जो लोग अपने पत्नी को बाहर भेजे थे पढ़ाने के लिए, वो सब लोग घर पे ला दिए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं एक और ज्योति के बारे में, यानी पवन सिंह और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के बारे में। पवन सिंह और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का भी मामला इस समय कोर्ट में है, और ये दोनों लोग भी एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। और अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ये दोनों लोग कोर्ट में पहुंच गए तलाक देने के लिए। और पवन सिंह और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का मामला लगभग एक साल हो गया कोर्ट में, लेकिन अभी तक कुछ निर्णय सामने नहीं आया। और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का डिमांड है हर महीने पैसे का, और देखिए कोर्ट इस पे क्या फैसला देती है। हाँ, एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ, 2-3 बार से पवन सिंह कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, अपनी व्यस्तता बता दे रहे हैं, और 13 जुलाई को एक और डेट पड़ा है। देखिए पवन सिंह कोर्ट में जाते हैं या नहीं जाते हैं इस बार, और पवन सिंह जाते कोर्ट तो बहुत जल्द ये भी मामला का निर्णय हो जाता है। हाँ तो दोस्तों, इरा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।